मगर सुनो प्यारे। हेलो सैयदुल्ला इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला पांच शाबान और चार हिजरी को मदीने पाक में पैदा होते हैं। मेरे नबी ने दैन कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में तकबीर पढ़ी, अल्लाह अल्लाह ये भी सुनते चलो। सैयदा फातिमा बाहर हो गई, जब नबी अजान पढ़ रहे थे और कान में तकबीर पढ़ रहे थे, मेरी तरफ जरा तवज्जो दो। अल्लाह अल्लाह नबी अंदर है और हुसैन अंदर है, तीसरा कोई नहीं है। मेरे नबी बात कर रहे हैं, मेरे नबी बोल रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। फातिमा सोच रही है शायद मेरा बेटा बोलना होगा, एक दिन का बच्चा कैसे बोलने लगा, एक दिन का बच्चा कैसे ये बातें करने लगा। सैयदा फातिमा बाहर है मगर मेरे नबी सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। जब मेरे नबी तकबीर और अजान पढ़ने के बाद जब बाहर आते हैं तो बेटी सैयदा फातिमा ने आका का हाथ पकड़ लिया, कहा अब्बा जान जरा इतना बता दे, मेरे अब्बा जान इतना बता दे, क्या मेरे हुसैन से बातें कर रहे थे, मेरे लखते जिगर से बातें कर रहे थे, मेरे नूरे नजर से बातें कर रहे थे, मेरे शहजादे से बातें कर रहे थे। नबी ने फरमाया नहीं नहीं बेटी, तो फिर किससे बातें कर रहे थे। अब नबी ने क्या फरमाया सुनो, यहाँ पर तुम आए हो, अपने घरवार को छोड़ के आए हो, किसी के बेटे की शादी नहीं है, किसी की बेटी की शादी नहीं है, हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हो। मगर सुनो प्यारे, नबी ने फरमाया नहीं नहीं बेटी, हुसैन नहीं बोल रहे थे, मैं हुसैन से बातें नहीं कर रहा था। कहा आका फिर किससे बातें कर रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया बेटी, हुसैन की जब पैदाइश हुई है तो जमीन पे तो शोहरा हो ही गया है, मगर आसमान पे भी शोहरत हो गई है, आसमान पे भी ऐलान हो गया है, फरिश्तों को पता चल गया है। एक रिवायत के मुताबिक 4000 फरिश्ते हुसैन पाक की मुबारक पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करने के लिए आए थे, मगर उनमें से एक फरिश्ता ऐसा था जिसको 1000 साल पहले अल्लाह ने ड्यूटी से हटा दिया था, अल्लाह ने ड्यूटी से माजूल कर दिया था, ड्यूटी से खत्म कर दिया था। वो 1000 साल पहले ड्यूटी पे था, अब बगैर ड्यूटी के घूमता था। जब नबी के यहाँ पता चला कि बेटा पैदा हुआ है, हुसैन पाक तशरीफ लाए हैं, तो वो फरिश्ता भी आया था और आकर के नबी ने फरमाया बेटी, उसी फरिश्ते ने मेरा दामन पकड़ लिया था और कहा था नाना है आप नवासे का सदका चाहिए, आज आले रसूल का सदका चाहिए, नबी के शहजादे का सदका चाहिए, हुसैन पाक का सदका चाहिए। आका कुछ तो खैरात दे दीजिए, आका कुछ तो दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह फातिमा कहने लगी अब्बा जान तो फिर आपने क्या दिया जरा बता दे। मेरे नबी ने फरमाया बेटी, मैंने अपने हाथों को उठाया और हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, मौला तू इसे परवरदिगार हुसैन पाक का सदका अता फरमा दे। कहा बेटी कहने लगी अब्बा जान ये तो बताइए उस फरिश्ते को क्या मिला, उस फरिश्ते को क्या इनाम मिला। तो रिवायत में आता है मेरे नबी ने फरमाया बेटी हुसैन का सदका अल्लाह ने ये अता फरमाया, 1000 साल से जो बगैर ड्यूटी के घूम रहा था, आज मैंने दुआ की है हुसैन के सदके में अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि उस फरिश्ते को ड्यूटी अता। सुभान अल्लाह, कितने बेरोजगार हैं जो हुसैन पाक का नाम लेते हैं उन्हें रोजगार मिलता है, कितने बे औलाद हैं जो हुसैन पाक का सदका मांगते हैं उन्हें औलाद मिलती है, कितने नागारा है जो हुसैन पाक का नाम लेते हैं वो कार वाले बन जाते हैं। यही तक नहीं प्यारे, हुसैन पाक के सदके में हमारी बिगड़ी भी बना करती है। और जरा देखें जब मोहब्बत की बात आती है, मैं और आप क्या है, अल्लाह अल्लाह जब मेरे नबी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए थे तो मदीने का ये आलम था, अगर किसी के यहाँ शादी होती थी तो आले रसूल को बुलाया जाता था, नबी के घराने में से किसी बच्चे को जरूर बुलाया जाता था, अगर इंतकाल हो जाए तो दुआ के लिए या नमाज जनाजा के लिए बुलाया जाता था, अगर मकान बने तो फिर मकान में दुआ के लिए, ताकि नबी का शहजादा
कदम रख देगा, बरकतें हो जाएंगे। मदीने में किसी का इंतकाल हो गया, इमाम हुसैन पाक बुला गया, लोगों ने देखा हुसैन पाक आ रहे, कुछ की आंखों में आंसू आ गए, वो भी प्यार के आंसू थे, आपस में चर्चा कर रहे, देखो ये वो हुसैन है जो नबी के कांधे पे सवारी करते थे, क्या तुम्हें पता है ये वो हुसैन है, अगर नबी सजदे में है तो हुसैन पीठ पे बैठ गए हैं, तो फिर नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, यही वो हुसैन है जिनके जिनके लिए हिरनी अपना बच्चा पेश कर गई थी, कहा यही वो हुसैन है। और तो मैं आदमियों में चर्चा हो रहा है, जरा देखो तो नबी का शहजादा आ रहा है, जो अगर कपड़ों के लिए रोने लगे, अल्लाह ने ईद के कपड़े जन्नत से भेजे थे, अगर हुसैन छोटे से थे, फातिमा नमाज पढ़ रही है तो झूला झुलाने के लिए फरिश्ते आते थे, यही वो हुसैन है कि जुमे के दिन अगर नबी खुतबा दे रहे हैं, जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन पाक हुजरे से निकले, पांव में पांव टकरा जाता है, मगर हुसैन जैसे ही गिरे तो नबी ने खुतबा रोक दिया, और खुतबा रोकने के बाद मिंबर से उतर के हुसैन के पास गए, जाकर के हुसैन को गोद में उठा करके लाए, चूम के मिंबर के करीब रखा, नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाला मेरा हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे है। थोड़ी देर के बाद खुतबे और नमाज के बाद हजरत इमाम हसन भी आ जाते हैं, दोनों बच्चों को बिठाल के, ओ लोगों तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो, नबी के बच्चों से मोहब्बत करते हो तो सुनो, दोनों बच्चों को आगे बिठाल करके नबी दुआ फरमा रहे हैं, اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا, اور جو قیامت تک کا مسلمان ان دونوں سے محبت کرے, اے اللہ تو ان سے بھی محبت کرنا. پیارے لوگوں میں چرچا ہے, حسین پاک جیسے ہی آئے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی سر پہ ہاتھ رکھ پا رہا ہے, جو انداز تھا تعظیم کا وہ بھرپور تعظیم کر رہے ہیں. حسین پاک کو جگہ دے دی گئی, راستہ بنا دیا گیا, نماز جنازہ کی تیاری ہے. حسین پاک نے اپنا جوتا چپل ایک طرف کو اتار دی ہے, اللہ جیسے ہی اتاری ہے, اب حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی, اور پڑھانے کے بعد دعا کرا دی ہے. ارے جس کے لیے نبی کا شہزادہ دعا کر دے, حسین جیسا نبی کا بیٹا دعا کر دے, سیدہ فاطمہ کا لاڈلا دعا کر دے, اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے, اے اللہ اسے جنتی بنا دے. بولو کیا وہ جنتی نہیں ہوا ہوگا؟ حسین پاک نے نماز پڑھانے کے بعد جو اصلی بات بتانا چاہ رہا تھا وہ سناؤ. حسین پاک جیسے ہی اپنے جوتوں کے پاس آتے ہیں, جو سلیپر یا جو بھی پہنے تھے وہ جوتیوں کے پاس آتے ہیں, اللہ اللہ لوگ ہٹتے ہیں, کوئی ہاتھ چوم رہا تھا, کوئی سر پہ رکھ پا رہا تھا, مگر دیکھتے کیا ہے, ایک بوڑھا شخص ہے, وہ بوڑھے بزرگوں تانا مارنے والوں, بچوں کی ٹانگیں کھینچنے والوں, اور یہ جلسے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں, آپ بڑی تیزی سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے, بڑی تیزی سے فساد پھیلایا جا رہا ہے, کسی کو ذرا سا موقع مل جائے وہ چنگاری چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ذرا اس بوڑھے کی محبت دیکھو, اس بوڑھے کی اگر تم پہ دھول پڑ گئی تو تم پاک ہو جاؤ گے, اس کے پاؤں کا اگر تمہیں دھوبن مل گیا تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی. ارے یہ بوڑھا کون ہے؟ ذرا اس بوڑھے کو دیکھو, یہ بزرگ ہے جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے, امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں, اللہ اللہ وہ بوڑھے بزرگ آتے ہیں, آ کر کے اپنی زانوں پر یہاں پر حسین پاک کی جوتی رکھ کے اپنے امامے کے اس شملے سے صاف کر رہے تھے, ایسے ایسے صاف کر رہے تھے, جوتی صاف کر رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں, جوتی صاف کر رہے ہیں, وہ بوڑھے تھے وہ بزرگ تھے, لوگ دیکھ رہے ہیں کون اتنا بڑا عاشق ہے, یہ کون بوڑھا ہے, ارے یہ کون ہے, چہرہ ڈھکا ہوا تھا, لوگوں کی بھیڑ ہے, حسین پاک کی جوتی صاف کی جا رہی ہے. ارے ہاتھوں سے صاف کرنا الگ ہے, کپڑے سے صاف کرنا الگ ہے, کوئی رومال سے صاف کرنا الگ ہے, دامن رومال سے صاف کرنا الگ ہے, کوئی برش وغیرہ سے صاف کرنا الگ ہے, مگر امامے کے شملے سے صاف کرنا بالکل محبت کی انتہا ہے. اللہ اللہ حسین پاک کی جوتی نیچے سے اوپر سے صاف کی جا رہی ہے, حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہ نبی کا
माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुसैनी कमेटी मियांवाली सुगड़िया, बहुत अरे हम और आप क्या हैं, जितना भी कर सकते हैं उतना कम है। मोहब्बत है हुसैन ईमान का एक हिस्सा है, ये गांठ में बांध लेना प्यारो, ये जहन में बसा लेना, आज बड़े खुशकिस्मत हो। वरना कहां आलिम बहुत हैं, वो भी अपनी जगह अच्छा मकाम रखते हैं, वो भी वारिस है, वो भी वारिस अंबिया है, मगर ये आले रसूल है, आले आले नबी है, ये आले नबी है, इनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। जब सैयदों को किया जाएगा, उनके चाहने वालों को किया जाएगा एक तरफ लाइन में, तो वहां पर तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। प्यारे अगर सुनाऊं तो एक हिकायत एक और याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो बता दूं। बोलो सुनने के मूड में हो, अगर सुनने के मूड में हो तो हाथ उठा करके बोलो या हुसैन अल मदद, बोलो या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। सुनो एक